अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्टली तो हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम यानी कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है। चैप्टर का नाम हमें क्या पता है कि चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या हम लोग इसमें जो है वो स्टडी करने वाले हैं या क्या न्यू लर्न करने वाले हैं। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है पीरियोडिक टेबल, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया, ये किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने कोशिश की पीरियोडिक टेबल को डिफरेंट अंदाज में अरेंज करने की, या उन्होंने अपने बेस्ट कोशिश की उसको बेस्टली अरेंज करने के लिए। एंड देन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से मुराद है कि किस तरह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो एक इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होती हैं। ठीक है, ओके जी। पीरियोडिक टेबल से क्या मुराद है? पीरियोडिक टेबल से मुराद है, ऐसा टेबल या ऐसी अरेंजमेंट जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को रखा गया है, और वो उन एलिमेंट्स को किस तरह से रखा गया है, उनको किस तरह से अरेंज किया गया है, उसको हम लोग जो है वो आज के टॉपिक में देखेंगे। ओके, इससे पहले जो मैं आपको हल्का सा ब्रीफली बताना चाहती हूँ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हम देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में होता है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड से मुराद हॉरिजेंटल लाइंस, मतलब कि अगर ये एक टेबल है इसमें मौजूद जो लाइंस हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो कहलाएंगी पीरियड्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है 1, 2, 3, 4 पीरियड्स हमें नज़र आ रहे हैं। और देन वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स से मुराद है अप टू डाउन। अप टू डाउन जितने जो रोज़ होंगी हमारी वो कहलाती हैं वर्टिकल कॉलम्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स। ठीक है, ओके। जब पता लग गया कि पीरियड्स और ग्रुप से क्या मुराद है, पीरियड से मुराद है हॉरिजेंटल लाइंस एंड ग्रुप से मुराद है वर्टिकल कॉलम्स। ओके, इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अरेंज किया डिफरेंट अपने मुताबिक पीरियोडिक टेबल को, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। आई थिंक आप सब फेमिलियर हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से क्या मुराद है, हम सब जो है प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। देन मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं, अगर हम उन दोनों की तादाद को आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। एटॉमिक मास को हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। ओके, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर से मुराद क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा उनकी तादाद सेम होती है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी कभी जो है वो उनकी अमाउंट जो है वो वेरी करती है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। फर्स्ट हमारे पास है डुबिनियर ट्राइड्स। डुबिनियर ट्राइड्स, डुबिनियर ने जो है वो कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की, उसने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया कि अगर उसके फर्स्ट और थर्ड के मैच नंबर को हम लोग प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है मिडल का। यानी कि अगर हम लोग जो है वो अगर हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करें 1, 2, 3 की फॉर्म में, अगर हम लोग प्लस करते हैं 1 और 3 के मैच नंबर को, तो जो मैच नंबर हमारे पास उन दोनों का एवरेज मैच नंबर आएगा वो आंसर होगा मिड के एलिमेंट का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड अटोमिक मैस एवरेज ऑफ द अदर टू अटोमिक एलिमेंट। अब मैं आपको इसको जो है वो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। जी, यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि उसका कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक मास है 88 एंड बेरियम का एटॉमिक मास है 137। अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड के मास नंबर का एवरेज लेते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है 88.5, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 88, विच इज एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्टियम। ठीक है जी, ये एटॉमिक ये हमारा पीरियोडिक टेबल था डुबिनियर का, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड वाइडली बिकॉज इट हैज सम डिमेरिट्स विच आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन दिस वे। सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे, ऑल एलिमेंट्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई मीन जितने भी हमारे पास मौजूदा डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उन तमाम को हम लोग इस स्पेस पर डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे पास अभी जो है वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ओके जी, सेकेंड न्यू लैंड, न्यू लैंड्स ऑक्टेव।
न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है ऑक्टेव्स, ऑक्टेव से मुराद है ऑक्टामीन 8। यहाँ पे हम देखेंगे न्यूलैंड ने किस तरह से जो है वो एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश की। इन 1864 न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन 1864 में न्यूलैंड ने अपना जो है वो पीरियोडिक टेबल अरेंज करने की कोशिश की, और उसके लॉ ऑफ ऑक्टेव से मुराद है देर इज़ अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इफ अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी कि अगर हम जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज करें वन बाय वन, मीन्स कि अगर हम लोग जो है उसको एटॉमिक मास की इंक्रीज होते हैं उसको अरेंज करें, जैसे कि हम लोग अरेंज करते हैं जैसे वन ए बी सी, ये सपोज मैंने एलिमेंट्स जो है वो मैं इसको कर रही हूँ जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके तो ये हो गए 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो न्यूलैंड में तभी क्या था कि हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, यानी कि एच के बाद अगर आई आता है यहाँ पर उसमें प्रॉपर्टीज होंगी ऑलमोस्ट ए जैसी, और आई के बाद क्या आता है और आई के बाद जे आता है तो उसमें प्रॉपर्टीज जो है वो होंगी पी जैसी। यानी कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद जो भी न्यू एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट जैसी होंगी। ये भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां थी जो कि डिफाइन नहीं की जा सकी थी, और वो क्या कमियां थी कि देर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो तमाम एलिमेंट जो कि इस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए कोई भी स्पेस छोड़ी नहीं गई थी कि जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे तो बाद में उनको कहाँ रखा जाना है। उसके अलावा नोबेल गैसेस भी उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं थी, और अब हम सब जानते हैं कि नोबेल गैसेस की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में, बट उस वक्त तक वो डिस्कवर्ड नहीं थी और ना ही उनके लिए कोई भी स्पेस छोड़ी गई थी जी। उसके बाद आता है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया अपना उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे जो कि तकरीबन 63 थे, उस तमाम को उसने अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में इन हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल रोज क्या है, मैंने अभी आपसे पहले डिस किया था, वो क्या है पीरियड्स जी। तो उसका क्या था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि अगर हम जो है तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज आपस में रिपीट होंगी, जैसे कि हमने न्यूलैंड में डिस्कस किया था, और उस वक्त 863 एलिमेंट्स थे जिनको तमाम को अरेंज किया गया था जी। क्लास जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है, इसी तरह से आपको आई थिंक डेफिनेशन से आप फेमिलियर हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप से क्या मुराद है, आइसोटोप से मुराद है ऑल द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके एटम में उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट का डिफरेंट मास नंबर हो सकता है। ओके जी तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या उसकी डिमेरिट्स है, उसकी डिमेरिट्स थे ही फेल टू एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के पोजीशन को डिफाइन नहीं किया गया था, यानी कि अगर ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो उसके पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप रखा गया था, बाकी 2 आइसोटोप्स की स्पेस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। एंड देन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास गलत डिफाइन था उस वक्त और उनको उसी तरह से रखा गया था जो कि गलत था। तो ये 2 डिमेरिट्स थे जिसकी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। हेनरी मोसलिन ने जो भी उसके डिस्कवर तमाम एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक रो भी कहते हैं और उसको मोजलेस पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। ओके जी क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे कि हमने देखा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से मुराद के मुताबिक क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जबकि मोजलेस पीरियोडिक टेबल इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर हम तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद रिपीट होंगी। दिस पीरियोडिक टेबल इज वाइडली एक्सेप्टेड। इस वक्त हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं जो कि तमाम इस पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं।
और उसके अलावा जो कि अभी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए उनके लिए भी स्पेस छोड़ी गई है, कि जो भी तमाम एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होंगे उनके लिए भी स्पेस ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा पहले किसी भी पीरियोडिक टेबल में और नहीं किया गया था। तो हम इस पीरियोडिक लॉ जो कि हमारे मतलब एच मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था उसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं एंड 18 कॉलम्स हैं। जी, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 पीरियड्स हैं यानी, और उसके अलावा जो है वो 18 कॉलम्स हैं यानी 18 ग्रुप्स हैं। और किस तरह से अब मतलब किस तरह से वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, या वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिपीट होती हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो किस पीरियड में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। थैंक यू।